ओम शांति। महावाक्यों की ओरिजिनल डेट है 20 फरवरी 1988। और आज बाबा हमें एक ऐसी परिस्थिति है ना, जो हर ब्राह्मण कहता है कभी कभी कि हम थक गए हैं, कभी कभी सेवा में थक जाते हैं, कभी कभी कहते हैं जीवन में थोड़े थकान का अनुभव हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ये जो तन की थकान और मन की थकान दोनों कैसे दूर करें, उसकी बाबा आज हमें विधि बता रहे हैं। तो बाबा आज कहते हैं तन मन की थकावट मिटाने का साधन है शक्तिशाली याद। तन मन की थकावट मिटाने का साधन है शक्तिशाली याद। तो जिनको भी ब्राह्मण जीवन में चलते चलते सेवा में रहते थकावट का अनुभव हो रहा है, तो बाबा उसकी हमें विधि बता रहे हैं कि शक्तिशाली याद से ये थकावट मिटेगी। तो सुनते हैं बाबा के मीठे महावाक्य। बाबा कहते आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी, सेवार्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा के जो बच्चे सेवार्थ विदेश में हैं अभी और बाबा से मिलन मनाने आए हुए हैं, बाबा उनको कहते आप अनादि देशवासी हैं, क्योंकि परम धाम हमारा अनादि देश, उसमें इकट्ठे रहते थे। और आदि देशवासी भी हैं क्योंकि स्वर्ग हमारा आदि देश है और वहाँ के रूप से भी हम देशवासी हैं, भारतवासी हैं, लेकिन अभी सेवार्थ विदेशी हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि विदेश में जो भी आत्माएं हैं, जो भी आत्माएं भारत से निकलकर विदेश चली गई, उनकी सेवा करने के लिए भी कुछ आत्माओं को विदेश में तो जन्म लेना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते सेवार्थ विदेशी बने हुए बच्चों से बाप दादा मिलने आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकी लधे लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे, इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। देखो बाबा कैसे आत्मा को स्मृति में स्थित कर रहे हैं। अब बाबा कहते अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं, इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। भले इस समय पर विदेश से आते हैं, लेकिन क्योंकि आदि देश जन्मभूमि, आदि जन्मभूमि यही भारत देश है, इसलिए दिल का स्नेह भारत देश से है। और बाबा क्या कहते हैं, चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है ना। आप सोचो जब शुरू शुरू में विदेश से भाई बहने आते थे, तो आज के जैसे आज के रूप से जो रेल यात्रा या हवाई यात्रा के साधन नहीं थे, उस समय पर यदि विदेश से दिल्ली आना हुआ और फिर दिल्ली से मधुबन जाते थे, तो वो कोयले की ट्रेन से जाते थे, है ना, जो ट्रेन कोयले से चलती थी, और उसमें समय भी बहुत लगता था, और जब पहुंचते थे तो पूरे काले काले हो जाते थे सारे कपड़े सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी
ये जो बच्चे थे ये उन देशों से आकर जहाँ पर हर प्रकार के साधन थे, सुविधाएं थी, भारत देश में आते भले धूल मिट्टी है, भले ही कुछ प्रकार के साधनों की कमी थी, लेकिन वो दिल का स्नेह रहता कि मुझे भारत जाना है, बाबा के पास जाना है। क्यों? क्योंकि आदि देश है ना, तो आदि देश के प्रति वो स्नेह रहता। तो बाबा कहते चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश, आत्मा का अपना देश कौन है? सभी आत्माओं का अपना देश है परम धाम, और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश ये भारत रहा है। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में है, भारत से बहुत अपनापन अनुभव होता है। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हैं वो याद है? हाँ, बाबा कहते स्मृति स्वरूप बैठे हैं कि कितने जन्म हम इस भारत भूमि में रहे। 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है, इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि जैसे ही द्वापर युग आया तो विदेश नहीं, बाद में भी 21 जन्म की तो गारंटी है ही है, क्योंकि एक ही देश था, एक ही खंड था। लेकिन उसके बाद भी कई जन्म भारत भूमि पर हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है। तो जैसे पूज्यपन में ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करते हैं, तो फिर कई जन्म पुजारी बनने का पाठ भी बाबा के साथ हम बजाते हैं। अब बाबा क्या कहते? द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राजधानी में थे, लेकिन पूज्य पने में भी, भक्ति में भी, जब नंबर 1 सतो प्रधान भक्ति थी, तब भी ये जो आत्माएं आज विदेश में हैं, वो यही देश में ब्रह्मा बाबा के साथ पूज्य सो पुजारी का भी पाठ बजा रही थी। इसीलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। ब्राह्मणों का अलौकिक अपना संसार है मधुबन, है ना। तो बाबा कहते इसलिए मधुबन से हरेक को खास प्यार है। ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। कभी कभी मैं विचार करती हूँ कि जो मधुबन भूमि है, इस पूरी दुनिया के हिसाब से तो बहुत छोटा सा खंड है, लेकिन जैसे इस सारी दुनिया से बिल्कुल न्यारी एक अलग ही संसार है। चाहे रस्म रिवाज के रूप से, चाहे जीवन के रूप से, चाहे वाइब्रेशन के रूप से, जैसे इस पूरे संसार से बिल्कुल अलग एक संसार ही है मधुबन। तो बाबा कहते तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना, यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना, क्योंकि ये अपना संसार है। वहाँ तो सेवार्थ कलियुगी संसार में जाते हैं, लेकिन जब अपने घर आते हैं, अपने संसार, अपने परिवार के बीच आते हैं, तो ऐसा लगता है और कहीं जाए ही ना, यहीं रह जाए।
तो यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। सभी बच्चे बैठे हैं, अनुभवी हैं कि मधुबन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि और वापस ना जाए। अब बाबा क्या कहते हैं, अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ, मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। कौन कौन खुश होंगे, अभी अभी ऑर्डर कि मधुबन निवासी बन जाओ। टेम्प्ररी एड्रेस भी मधुबन, परमानेंट एड्रेस तो है ही मधुबन, लेकिन इस जन्म का टेम्प्ररी एड्रेस भी मधुबन बन जाए तो कौन कौन खुश होंगे। हाथ उठाओ, है ना। अब बाबा कहते, या ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा, क्योंकि सभी अपने सेवा स्थानों से छोड़कर मधुबन जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सेवा की याद आ जाएगी कि सेवा कौन करेगा। अब देखो बाबा कितनी मीठी आज बात कहते हैं, सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए, है ना, ऐसे भी संकल्प चलते हैं। बाबा कहते, बाप दादा कहे बैठ जाओ फिर भी सेवा याद आएगी। जी किसकी सेवा है, बाप दादा की सेवा, उसने सेवा पर बिठाया तो बैठे, वो मधुबन में बैठने को कहेगा तो कहेंगे सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है, जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने बाबा की आज्ञा मानी, सेवा की, लेकिन अब हमें हमारे अंदर सेवा को लेकर ऐसा लगता है कि मैं जिम्मेवार हूँ। नहीं, मैं निमित्त हूँ। जब जो डायरेक्शन मिले, बाबा जहाँ बिठाए, जो श्रीमत दे, उस पर चलना है। मैं कौन हूँ, सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। बच्चों को डायरेक्शन मानने के लिए एवर रेडी रहना है। कैसा भी डायरेक्शन मिला, चाहे मधुबन में बैठने का, चाहे सेवा पर रहने का, एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना है। एवर रेडी मतलब अभी मिला तुरंत करें। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स ना हो, मैं ऐसा समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, नहीं। जो डायरेक्शन मिला अभी अभी मान सके, ऐसे एवर रेडी। इसको कहते श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं। हम कौन है, निमित्त। सेवा माना ही जो सेवा निमित्त भाव से की जाती है। निमित्त भाव और सेवा का गहरा कनेक्शन। सेवा कभी भी जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, जिम्मेवार बाप दादा है व आप हैं। बाबा पूछते हैं, ऐसा तो नहीं समझते हो मेरी जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूँ, मैं श्रीमत प्रमाण कल्प पहले मुआफिक सेवा कर रही हूँ। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है, क्योंकि जो अपने आप को समझता है कि मैं मालिक हूँ उसको बोझ अनुभव होने लगता है,
निमित्तपन हल्केपन की स्थिति है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना? करावन हार करा रहा है। मम्मा सदा कहती थी, हुक्मी हुक्म चला रहा है। जो सेवा दे रहा है वो शक्ति भी दे रहा है। तो बाबा कहते, सही विधि से सेवाधारी बने हो ना? करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। बाबा किसी की भी बुद्धि को टच कर सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। करावनहार वो है। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। अब बाबा का टाइटल ही अकर्ता भो अभोक्ता, तो बाबा तो विश्व पर राज्य नहीं कर सकते, इसलिए निमित्त बच्चों से करवाते हैं, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना व सेवा का फल अनुभव होना ये आत्माओं का काम है, इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। कर्म करना और प्रारब्ध पाना, सेवा करना, फल खाना, ये पाठ ही आत्माओं का है, इसलिए बाबा आत्माओं को निमित्त बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठ, कैसे ब्रह्मा बाबा से बच्चों से सेवा करवाई, वो भी देखा। और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है, ये भी देख रहे हो। कभी भी हमने बाबा के अव्यक्त होने के बाद ऐसा अनुभव नहीं किया कि बाबा के बिना सेवा हो रही हो, और ही ऐसा अनुभव किया कि बाबा के साकारी शरीर का बंधन भी छूट गया है, तो बाबा की उपस्थिति का कई गुणा बल बच्चों को, सेवाधारियों को अनुभव हुआ। तो बाबा कहते, साकार रूप में भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा कैसे पालना करवाई, सेवा करवाई, वो भी देखा, और अव्यक्त रूप से भी कैसे बाबा कार्य करा रहे हैं वो देखा। वैसे भी कोई अनजान भी जब मधुबन जाता है, जिसको बाबा का परिचय भी नहीं, यदि वो भी इस कार्य को देखता है तो अनायास ही मुख से उसके निकलता है कि ये कार्य, इतना बड़ा कार्य, ऐसा श्रेष्ठ कार्य कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता। तो बाबा कहते, अज्ञानियों को भी बाबा करा रहा है ये अनुभव होता है। और बाबा सिर्फ साकार में नहीं कराए, लेकिन अव्यक्त रूप से भी बाप दादा कैसे बच्चों के द्वारा कार्य करा रहे हैं, इसका अनुभव हर बच्चे को है। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद सेवा के कार्य की गति भी बहुत वृद्धि को पाई। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। लेकिन कठपुतली कितना अच्छा नाच दिखाएगी, वो इस पर है कि कितनी संपूर्ण बागडोर मालिक के हाथ में है।
बाबा कहते हैं ये सेवा भी एक खेल है, क्योंकि देखो सेवा कराने वाला सर्वशक्तिवान है, सेवा की रिजल्ट निश्चित है, सफलता होनी ही है, विजय होनी ही है, ये मालूम है। तो सेवा एक खेल मात्र खेल रहे, कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर? प्रैक्टिकल सोच कर उत्तर देना, क्योंकि थियोरी में जानते हैं कि बाबा जिम्मेवार है, लेकिन 63 जन्म देह अभिमान में रहे हैं ना, तो कोई छोटी सी भी सेवा है जो रोज़ करनी है, कभी कभी उसका बोझ लेकर चलते हैं। बाप तो जानते हैं ये भी बोझ नहीं है, बाबा कहते हैं मेरे लिए भी बोझ नहीं है, भले कहते हैं कि सेवा का बोझ बाबा के ऊपर है, पर बाबा कहते हैं मेरे लिए ये बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं, बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। बाबा कहते मैं भले जिम्मेवारी उठाता हूँ, लेकिन मेरे लिए बोझ शब्द का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि बाबा को तो नथिंग न्यू का ज्ञान है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसे आ आ लिख के देते हैं, उस पर कहते हैं लकीर अब इसी के ऊपर खींचो, तो पहले से जो लकीर खींची हुई है उस पर नई लकीर खींचना क्या मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं ये तो बनी बनाई बन रही है, कल्प कल्प हमने ये पाठ बजाया है, तो इसमें क्या मुश्किल है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं, सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना, रिपीट कर रहे हैं, निमित खेल कर रहे हैं, खेल भी कर रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं और निमित भी कर रहे हैं, वो भी कोई भले रिपीट कर रहे हैं पर उसमें भी ऐसा नहीं कि अपनी जिम्मेवारी है, वो भी बाप दादा निमित्त बनाकर करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे माया का विघ्न खेल है ना, माया क्या है, माया का विघ्न एक खेल है, क्योंकि माया आती बड़े रूप में है, लेकिन जैसे ही ट्रिक मालूम होती है, जैसे कोई खिलाड़ी होता है ना, उसको अभ्यास होता है, उसको परख होती है, तो बड़े से बड़ा शॉट बड़ी आसानी से लगा लेता है, ऐसे ही माया भी एक खेल की तरह आती है, अगर हम राइट शॉट लगा दें तो माया जैसे बिल्कुल फट से परास्त हो जाती है। बाबा कहते तो सेवा भी मेहनत नहीं है लेकिन खेल है, सेवा की विधि राइट है, स्थिति राइट है, भाव राइट है, भावना राइट है, तो सेवा भी एक खेल है। बाबा से लेना है, अनेकों को देना है, क्या बड़ी बात है, वो भी कल्प पहले अनुसार। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जब बुद्धि ठीक सेट होगी, सेवा कैसे करनी है, किस भाव से, किस भावना से करनी है, और ऐसी अवस्था में ना, सच्चे सेवाधारी की अवस्था में रहकर सेवा करेंगे, तो सेवा थकाएगी नहीं, सेवा रिचार्ज करेगी, रिफ्रेशमेंट जैसा अनुभव होगा। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं,
थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल से आएंगे और सीधा भागेंगे फील्ड में। हम उन्हें कहेंगे आप थक गए हो, रेस्ट करो, तो कहेंगे खेल के रिचार्ज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे खेल थकने के लिए नहीं करते, भले खेल में भी शक्ति, शारीरिक क्षमता यूज़ होती है, लेकिन कहते हैं खेल रिफ्रेश करता है। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। जिस अंदर की जो भाव भावना है वो बहुत अंतर डालती है। जैसे दिल की रुचि से खेल करते हैं तो खेल थकाता नहीं है, रिचार्ज करता है। ऐसे ही सेवा भी बोझ मुक्त होकर निमित्त भाव से करेंगे। मैं तो कल्प कल्प में रिपीट करने वाली सेवा कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा थकाएगी नहीं, रिचार्ज करेगी। तो बाबा कहते हैं चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वो भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हो, रुचि से, दिल से करें, बोझ मुक्त होकर करें, समर्पण भाव से करें, तो सेवा भी खेल जैसी हो जाएगी। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा। कभी कभी इस भाव से जब ऑफिस जाते हैं या कोई कार्य करते हैं, ड्यूटी समझ कर करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करके करने से थकावट अनुभव करेंगे। मुझे करना ही पड़ता है सोचेंगे, करना पड़ेगा सोचेंगे, तो थकावट महसूस होती है, क्योंकि वो दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। किस कार्य में? जो मन के उमंग से और खुशी से किया जाता है। तो हम देखें कि सेवा के पीछे हमारी वृत्ति क्या है। क्या हम उमंग, उत्साह से, खुशी से करते हैं, या करना ही पड़ेगा इस बोझ से करते हैं? कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, बाप दादा जानते हैं। कभी कभी कई बच्चे सेवा स्थानों पर जो रहते हैं, या जो सचमुच यज्ञ सेवाधारी हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, उन पर कभी कभी ज्यादा कार्य भी आ जाता है। इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है। अब बाबा कहते कभी कभी बात सिर्फ वृत्ति की या अपने अंदर की जो भाव भावना की बात नहीं होती, कभी कभी रियली कार्य ज़्यादा होता है, तो उस कारण से भी थकावट अनुभव होती है ना। मन की थकावट नहीं, तन की थकावट हो गई ना ये। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी होता है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन के सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं। कई बच्चे इतने अथक होते हैं, इतने उमंग उत्साह में रहते हैं कि सचमुच बहुत सारा कार्य उनके द्वारा होता है।
फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं, ये देखकर बाप दादा हर्षित भी होते हैं। बाप दादा हर्षित भी होते हैं कि मेरे ऐसे बलिहार जाने वाले बच्चे हैं जो हिम्मत रख इतना आगे बढ़ भी रहे हैं और सेवा के कार्य को भी बढ़ा रहे हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का ज़रूर रखो, है ना, चाहे तन को चाहे मन को 100% यूज़ भी कर रहे हैं सेवा में। कई बार बच्चों का पुण्य का खाता ऐसा होता है कि सचमुच इतनी सेवा की जिम्मेवारी मिलती है कि 100% तन और मन यूज़ हो, लेकिन बाबा कहते हैं ये सब कुछ करते भी ध्यान रखना कि बुद्धि सदा हल्की रहे। क्योंकि जैसे आप देखो कि कोई स्कूटर है, बाइक है, छोटी गाड़ी है, उसमें बहुत सारा बोझ, जितना वो उठा सकते हैं उतना एक्यूरेट बोझ यदि उठाकर उस पर चल रहे हैं तो वहाँ पर बैलेंस का बहुत महत्व हो जाता है। क्योंकि अगर बैलेंस थोड़ा भी गड़बड़ाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर बैलेंस अच्छा बनाया तो इतना सारा बोझ एक छोटी सी स्कूटर से भी आप इधर से उधर कर लेंगे, लेकिन अगर बैलेंस ज़रा भी गड़बड़ाया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं, चलो अच्छी बात है, बाप दादा भी हर्षित हैं कि तन की कैपेसिटी मन की कैपेसिटी पूरी यूज़ हो रही है, लेकिन बुद्धि, बुद्धि जिसको कांटे के रूप में दिखाया है ना, जो बैलेंस करती है, वो बुद्धि हल्की रहे इसका अटेंशन रखना है। बाप दादा आज क्या कहते हैं सुनो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। एक एक सेकंड का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, कितने कैमरा, कितना कुछ है यहाँ पर, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है। स्वतः ही कार्य करते रहते हैं बाप दादा के पास वतन में जो साधन है उनको चलाना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। यहाँ एक एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड रखते रहते हैं। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते हैं वो लाइट के आधार से करते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। अव्यक्त वतन के साधन पांच तत्वों के बने हुए नहीं हैं और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे। जैसे आज भी इतना सारा डेटा है, लेकिन अगर कल सिस्टम क्रैश हो गया तो ये डेटा पता नहीं निकाल सकेंगे या नहीं, क्योंकि तमोगुणी प्रकृति है तो स्थाई डेटा नहीं है। और पांच तत्वों की प्रकृति के आधार से ही सारी टेक्नोलॉजी है यहाँ।
लेकिन वतन की टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं, इसलिए वतन की जो रिकॉर्डिंग है, बाबा कहते वो ऐसी नहीं है कि आज है कल नहीं है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वो परिवर्तन में नहीं आते हैं। जब चाहो जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। जब चाहे जिस बच्चे का रिकॉर्ड देखना चाहे देख सकते हैं। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, इतना सारा टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कितना मुश्किल है इस धरती पर। तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। अब बाबा बाबा ने जो हमें इशारा दिया कि बुद्धि हल्की रहे, बुद्धि हल्की कैसे रहेगी? जब याद और सेवा का बैलेंस होगा। तो बाबा कहते, बाबा हमेशा इस बात पर अटेंशन देते हैं कि बच्चों के याद और सेवा का बैलेंस ठीक रहे, क्योंकि बैलेंस ही एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। अब बाबा आज अटेंशन क्या खिंचवा रहे हैं कि सेवा पर तो बहुत अच्छी बात है कि तन मन पूरा समर्पित किया है, लेकिन साथ ही साथ याद का चार्ट अच्छा हो। बाबा कहते जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का भी बल मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। सेवा का पुण्य कई विघ्नों को भी टाल देता है। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, जब मुख से ये निकलने लगता है, मन में संकल्प चलने लगता है कि सेवा इतनी है कि स्वपुरुषार्थ नहीं हो रहा या याद का चार्ट ठीक नहीं जा रहा, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए, वहां पर बैलेंस लाना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो। अब ये बात बाबा किन के लिए कह रहे हैं? जो सेवा अर्थ 12 या 1 बजे तक है ना, इतनी सेवा जिनके जिम्मे है कि 12 1 बज रहे हैं और अमृत वेला फ्रेश नहीं होता है ना, अमृत वेला वो स्किप नहीं करते वो बच्चे। इतनी सेवा करने वाले बच्चों का बाप दादा से संबंध बहुत अच्छा होता है, तो 12 1 बजे भी सोते हैं, अमृत वेले भी उठते हैं, लेकिन फ्रेशनेस नहीं होती। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला यदि शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। फिर अमृत वेला तो फाउंडेशन है, अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है तो सारे दिन में भी याद और सेवा का बैलेंस ठीक नहीं रहता। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है,
ऐसा नहीं कि कोई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सचमुच 12-1 बजे तक की सेवा है। तो बाबा कहते तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ, वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। तो बाबा कहते जब बुद्धि का बैलेंस बिगड़ रहा है, बुद्धि हल्की नहीं रह रही, फ्रेश नहीं रह रही, और बुद्धि को क्या चाहिए फ्रेश होने के लिए? शक्तिशाली याद। तो उसके लिए बाबा कहते यदि 1 घंटा पहले भी सोना पड़े तो सो, नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बाबा एक बहुत बड़ा नियम बता रहे हैं कि जहाँ ब्लेसिंग नहीं होती ना वहाँ दिल खाती है, जहाँ बैलेंस नहीं होता वहाँ ब्लेसिंग नहीं होती, और जहाँ ब्लेसिंग नहीं होती वहाँ अंदर संतुष्टता नहीं होती, कहीं ना कहीं दिल खाती रहती है कि कर तो रहे हैं पर एक्यूरेट नहीं हो रहा है, याद जितनी होनी चाहिए नहीं है। तो बाबा कहते जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ये ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती, क्योंकि वो संकल्प जो है वो इम्बैलेंस के कारण है, और इम्बैलेंस है तो फिर ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, तो बुद्धि फ्री और फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम भी 1 घंटे में पूरा कर सकते। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि बुद्धि हल्की है, बुद्धि फ्रेश है, बैलेंस से जीवन चल रही है, तो ब्लेसिंग के आधार से कार्य भी जल्दी संपन्न होता है। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना, ना दुनिया में लोग इन्हीं चीज़ों पर अटेंशन नहीं देते और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी घट भी रही है, और हर कोई कहता है हम तो इतना काम कर रहे हैं कि स्ट्रेस्ड ही स्ट्रेस्ड है, पता नहीं प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। तो बाबा आज ये सारे नियम समझा रहे हैं, और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती है शरीर के हिसाब से भी फ्रेश, और आत्मिक उन्नति के रूप से भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस ताजगी रहती है, तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे, शरीर रेस्टेड है, बुद्धि फ्रेश है। बुद्धि को क्या चाहिए? याद का भोजन। शरीर को चाहिए रेस्ट और भोजन, दोनों मिला है तो फिर कार्य की स्पीड भी बहुत तेज होती है। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज्यादा सोने की भी आदत ना हो ना, आज बाबा ने 11 बजे, 11 से 4 माना, 5 घंटे बहुत है। ज्यादा सोने की भी आदत ना हो लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। बाबा कहते कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास में 2-4 बारी देरी हो गई सोने में वो दूसरी बात है, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा, है ना। मास्तुवास में 2-4 बारी लेट हो गया बड़ी बात नहीं, लेकिन नियमित रूप से यदि 3 घंटे या 4 घंटे की ही नींद है तो फिर याद में फर्क पड़ जाएगा। तो शरीर की थकावट ज़्यादा बड़ी बात नहीं बनेगी, लेकिन याद में जो फ्रेशनेस नहीं होगी ना अमृत वेला, तो उससे क्या होगा? बुद्धि की फ्रेशनेस खत्म होने लगेगी।
तो बाबा कहते जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो ना, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। याद के सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, याद बुद्धि को फ्रेश बनाती है। इसको भी आवश्यक समझ, इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो लेकिन शरीर को रेस्ट देना, इस विधि से चलो। बाबा कहते सुस्ती भी ना हो, आलस्य भी ना हो, एक्स्ट्रा नींद भी ना हो, लेकिन शरीर को जो रेस्ट चाहिए वो लेना भी है। क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता ही जा रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आज सेवा बहुत है, कल कम हो जाएगी तो रेस्ट कर लेंगे। तो बाबा कहते सेवा तो बढ़ती ही चली जाएगी, इसीलिए अपने इस बैलेंस का ध्यान रखना है। आप समझते हो अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। और यहाँ नोट करना है, बाबा रेस्ट सिर्फ शरीर का नहीं कह रहे, पर बुद्धि जिससे फ्रेश होती है, याद का रेस्ट, ये भी बहुत आवश्यक है आत्मा को ना। ज्ञान का भोजन और याद का रेस्ट, जैसे शरीर को भोजन और रेस्ट चाहिए, ऐसे आत्मा को भी याद का रेस्ट और शरीर का भोजन चाहिए, या आत्मा का ज्ञान का भोजन चाहिए। तो बाबा कहते अटेंशन देना है इस पर। याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे, कल सोचेंगे, ऐसा नहीं है। सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं, इसलिए सदा बैलेंस रखो, सदा रखो। हर दिन मेरा याद और सेवा का बैलेंस ठीक रहे। अमृत वेले फ्रेश होकर फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? मैं समझती हूँ बच्चे सभी तो ऐसे व्यस्त नहीं हैं जिससे बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा जो आज याद और सेवा के बैलेंस पर अटेंशन दिला रहे हैं, यदि व्यर्थ और विस्तार भी है जीवन में तो उससे भी जो थकावट हो रही है, तो उस व्यर्थ और विस्तार को यदि सेवा और याद से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी ब्लेसिंग के अधिकारी बनेंगे। बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते हैं। बाप दादा जैसे बच्चों को सामने देख रहे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं ऐसे जिनमें इतना उमंग है कि शरीर का भी नहीं सोचते, सेवा में बिल्कुल सदा रत रहते हैं, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। बल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी-कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते क्योंकि बैलेंस नहीं है, तो बुद्धि थक जाती है तो फिर प्रोडक्टिविटी घट जाती है। एक तो ये होता है और दूसरा क्या होता है, बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है ना। थोड़ा सा भी कोई बाहर बात होगी
तो क्योंकि थके हुए हैं ना तो चिड़चिड़ापन हो जाता है और फिर अंदर की खुशी गायब हो जाती है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि अटेंशन नहीं दे रहे हैं आत्मिक भोजन और रेस्ट पर। सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। ये महावाक्य बाबा किनके प्रति उच्चार रहे हैं? मैंने मधुबन में ऐसे भाइयों को, ऐसे सेवाधारी बहनों को देखा जिनको रात को 1 बजे तक मैंने सेवा में देखा और फिर 4 बजे जब देखा तो फिर सेवा में थे। और चलो हम तो मधुबन 4 दिन गए तो भले हमने 3 दिन की भी 3 घंटे की भी नींद की, बड़ी बात नहीं, सोचा कि चलो याद का बल जमा करेंगे। लेकिन जिनको हमने उन 3 दिनों में देखा उनका ये रोज़ का सिस्टम हो जाता है। इतनी सेवा है, कोई जिम्मेवारी मिली हुई है, अकेले उस जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं, तो कई बार एक सिस्टम सा बन जाता है कि शरीर की भी थकान नहीं मिट रही है और आत्मा को भी जो फ्रेशनेस में अमृत वेला होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो बाबा ऐसे बच्चों के लिए ये महावाक्य उच्चार रहे हैं कि टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो, याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन, अब एक और साधन बाबा देते हैं, हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो ना। भले ही सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा भी है, पर हर घंटे या 2 घंटे में भले 1 मिनट भी हो, लेकिन शक्तिशाली याद का समय निकालो। जैसे कोई शरीर में कमज़ोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं ना, टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें भी ए बी सी सब विटामिन आ जाएंगे। ए बी सी आत्मा का, आत्मा की स्मृति का विटामिन, बाबा की स्मृति का विटामिन बी विटामिन, और सी माना कनेक्शन की स्मृति का विटामिन, मैं कौन हूँ किसकी हूँ, इसका विटामिन आ जाएगा चाहे 1 मिनट भी हो। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के भी अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या है? देखो कितनी सुंदर बात बाबा कहते, हम हैं ही बाप के ये भी पता है, संबंध का भी अनुभव है, दिल का भी स्नेह है, सर्व प्राप्तियों के भी हम अनुभवी हैं, फिर भी शक्तिशाली याद स्वतः क्यों नहीं रहती? क्या कारण है? यदि याद का लिंक नहीं रखते, शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, याद का लिंक बीच बीच में टूट जाता है। इतनी बुद्धि बिजी हो जाती है सेवा में कि वो जो याद का लिंक होना चाहिए निरंतर, कोई भी कार्य करते वो लिंक टूट जाता है।
और फिर लिंक टूट जाता है तो बुद्धि इतनी सेवा में एब्जॉर्ब हो जाती है कि उसको निकाल कर दोबारा लिंक जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लिंक टूटता है इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि कोई चीज़ बार बार तोड़ कर जोड़ो तो कमज़ोर हो जाती है। विस्मृति तो हो नहीं सकती, है ना, ऐसा नहीं है कि बाबा कोई भूल जाता है, लेकिन वो जो बाबा के हाथ और साथ का पावरफुल अनुभव होना चाहिए वो टूट जाता है। बाबा कहते विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे उसके लिए ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे उसकी विधि ये है। लिंक अगर टूटता रहता है, जुड़ता रहता है तो उतना शक्तिशाली नहीं रहता। हालांकि बाबा याद रहता है लेकिन वो शक्तिशाली याद नहीं रहते। ये भी आवश्यक समझो, जैसे वो काम समझते हो कि आवश्यक है ना, सेवा का कार्य आवश्यक समझते हो, ये प्लान पूरा करके ही उठना है ये समझते हो, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे ये भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि ये तो चलता है, याद ना भी हो तो चलता है, नहीं कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये भी बीच बीच में करना ही है, ये ऐड करो। तो चाहे सेवा का प्रोग्राम चल रहा है उसके बीच बीच में याद का प्रोग्राम भी सेट कर दो, मीटिंग से पहले, मीटिंग के बीच में याद की ब्रेक्स ज़रूरी है। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधे घंटे में हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ का बल मिल जाएगा। करके देखो, बाबा कहते हैं एक्सपेरिमेंट करो तो एक्सपीरियंस होगा। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है वो दूसरी बात है ना, वो बात अलग है कि नींद कम हो गई है, इतनी दुआओं का बल मिला है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर पर आता है, इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं, क्या सोचते हैं बाप दादा? हाँ देखो बाबा का प्यार, कैसा प्यार है बाबा का हम बच्चों से। बाबा कहते हैं बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इनों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। बाबा कहते मालिश तो मैं कर दूँ लेकिन आपको आना तो पड़ेगा ना समय निकाल कर वतन में, वो भी अलौकिक मालिश होगी, ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी होगी। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाबा कहते 1 सेकंड भी निकाल कर वतन में आओ, तन और मन दोनों फ्रेश हो जाए। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की हो,
चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। बाबा ने तो संगम युग में आते ही कहा, 63 जन्मों की भक्ति की थकावट उतारने में आया हूँ। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूहान कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना ये ड्रामा अनुसार हुआ ही है, बना हुआ ही है। सेवा बढ़ेगी ये ड्रामा में फिक्स है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करने ही हैं। सेवा के प्लान भी ड्रामा अनुसार निकलेंगे और हमारा जो निमित्त का पार्ट है हमें करना ही पड़ेगा। ये भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। बाप भी अगर चाहे तो भी ड्रामा ऐसा है कि बाबा भी रेस्ट हमें नहीं दे सकते। बस बाबा वो जो रेस्ट दे सकते कि वतन में आओ और बाबा थकावट उतार दे, वो ऑफर बाबा दे रहे हैं। सेवा से फ्री होकर बैठ सकेंगे, बाबा पूछते हैं बच्चों को, है ना। भले ही बच्चे कहते हैं कि बाबा सेवा थोड़ी ज़्यादा हो गई या कुछ भी कहते हैं, लेकिन बाबा ये भी जानते हैं बच्चे भी सेवा से फ्री होकर नहीं बैठ सकेंगे। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कोई कभी रह सकता है क्या? खुराक तो चाहिए, तो सेवा भी खुराक है ब्राह्मण जीवन की। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन बैलेंस ज़रूरी है। इतना भी ज़्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो जाए, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। ऐसा कम भी नहीं कि बहुत टाइम में अलबेले हो गए, व्यर्थ विस्तार में जाने लगे, नहीं। और इतना ज़्यादा भी नहीं कि बुद्धि पर बोझ हो जाए। ना बोझ हो ना अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। बाबा कहते, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। स्मृति और समर्थी एक साथ है। स्मृति है मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, तो समर्थ स्वरूप में भी रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, और अनादि असली स्वरूप बहुत शक्तिशाली है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। लेकिन ये माया के फेस हैं, वो मुखौटे हैं जिनकी आदत माया ने हमें डलवा दी है।
लेकिन जब अपना असली फेस, असली स्वरूप याद रहता है तो ये मुखौटे माया लगा नहीं पाती। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, अगर सदा एक ही बात पर अटेंशन है बस, कि मैं कौन हूँ और मेरा आदि स्वरूप अनादि स्वरूप क्या है, तो फिर उसी प्रमाण हर कर्तव्य होते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने वाले फिर सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते। स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अहम मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है, और वहम मतलब इनके द्वारा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो बाबा कहते, अगर रहम की भावना रहेगी सदा, तो ये अहम और वहम की भावना समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।